ये है सोलर चार्ज कंट्रोलर। अभी सोलर चार्ज कंट्रोलर में कैसे कैसे काम होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आप यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो ना, इसे बोलते हैं मेन डिस्प्ले। मेन डिस्प्ले पे जो आप अभी वोल्टेज देख रहे हो 12.5 वोल्ट्स, अब यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लिंकिंग चल रहा है। ब्लिंकिंग मतलब कि सोलर से जो पावर हमारे पास में आ रही है बैटरी के अंदर जा रही है, बैटरी से सीधा हम यूज़ भी कर सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये है हमारा पहला चीज़। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है हमारा फ्लोटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो ये है फ्लोटिंग वोल्टेज। उसके बाद अगर हम वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये तीन बार मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है कि डिस्चार्ज अगर होता है तो वापस रिकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे यहाँ पे आता है कि डिस्चार्ज स्टॉप का वोल्टेज कितना होना चाहिए, कितना टाइम तक आपका लाइटिंग यहाँ पे शुरू रहना चाहिए, और उसके बाद में फाइनली जो है आपका बैटरी का टाइप कौन सा है। जैसे B02 लिखा हुआ है, मतलब कि लिथियम बैटरी है यहाँ पे फिलहाल। तो इस तरीके से गाइस पूरा 6 चीज़ें जो है इसके अंदर आपको देखने मिलती है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में। अब सोलर चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सेंटर का वायर है यहाँ पे आप देख सकते हो, सेंटर वाला वायर जहाँ पे बैटरी का आइकॉन लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको बैटरी का पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सोलर का कनेक्शन करना होता है एंड उसके बाद में DC का कनेक्शन। अगर आप बैटरी का कनेक्शन करना चाहते हो उसके बाद में आप DC का कनेक्शन करिए एंड उसके बाद आप सोलर का कनेक्शन करिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर एंड उसका यूजेस। अब देखिए सोलर चार्ज जो सोलर चार्ज कंट्रोलर भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है ना, तो वो डेटा अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब कि यहाँ से हमारा इनपुट आ रहा है सोलर से एंड यहाँ पे जो है बैटरी चार्जिंग हो रही है। लगभग बैटरी पूरी चार्ज हो चुकी है 12.5 वोल्ट के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंटिन्यूस करंट भी ऑन हो रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइट लगा दूँ तो लाइट ऑन हो जाएगा। तो इसे बेसिकली कनेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दिया है। अगर आपको चाहिए कि ये पूरा का पूरा आपको चाहिए कैसे कैसे, अगर आपके पास में ये नहीं है या फिर ये घूम हो गए, तो इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे जो है बता दूंगा कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या उसकी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये जो सेटअप गाइड है ना, इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ से धीरे धीरे करके मैं नीचे लेकर के जाता हूँ। जो जो लिखा है वो सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये सब मैं धीरे से इसका वीडियो बना करके आपके लिए रख रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लेना जहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको इंग्लिश वाला दिखा दिया, अब आपको यहाँ पे हिंदी वाला भी दिखाई देगा, ठीक है। वीडियो को जो है वो पॉज करके देख लीजिएगा कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस अकॉर्डिंगली आप इसे जो है सेटअप कर सकते हो, अगर आपके पास में ये मैनुअल या फिर इंस्ट्रक्शन वाला चीज़ नहीं है तो। इसलिए ये देखिए यूज़र मैनुअल में क्या क्या लिखा गया है, कैसे कैसे लिखा गया है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ मैं ताकि हर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी देख लीजिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको सेटअप करने में आसानी होगी। ये भी देख लीजिए टेक्निकल पैरामीटर जो होते हैं इसके, हर चीज़ आराम से आप क्या कर सकते हो, पॉज करके देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ वीडियोस भी देखा करिए, डायरेक्ट कनेक्शन मत करिए, ठीक है। हर चीज़ पे मैंने पॉज किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक से देख लेना। उसके बाद में ये सेटअप करना है आपको, उससे पहले नहीं। LCD डिस्प्ले की सेटिंग्स क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, हर एक चीज़। ठीक है, तो ऐसा है, तो उस तरीके से आप उसे पढ़िएगा। एंड जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।